गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ जफर अहमद. टूडे आई टीच इकोनॉमिक्स इन क्लास 11th, चैप्टर नंबर 2, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. तो बेटा आज का मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल पोर्शन, चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल पोर्शन. न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने से पहले अब तक हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर ली उनको हम एक ब्रीफ में समरी में बताते हैं. सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग डिस्कस किया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हमने 3 टाइप के प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस. सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने फिर डिस्क्राइब किया पीपीसी, एजम्पशंस ऑफ पीपीसी, टेबल एंड डायग्राम एंड अदर नेम ऑफ पीपीसी. उसके बाद बेटा थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया पीपीसी का रोटेशन और पीपीसी का शिफ्ट, यानी हमने रोटेशन ऑफ पीपीसी और शिफ्ट ऑफ पीपीसी इसको डिस्क्राइब कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और फिर इसके बाद लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था कि पीपीसी के इनसाइड और पीपीसी के आउटसाइड पर इकोनॉमी पर कैसा ट्रीटमेंट होगा. एंड देन उसके बाद आज का टॉपिक बेटा कुछ न्यूमेरिकल का है. ये न्यूमेरिकल का पोर्शन एक्सप्लेन करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट नाउ न्यूमेरिकल पोर्शन एक्सरसाइज नंबर 2. क्या कहा गया एक्सरसाइज में, ड्रॉ ए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व मीन्स आपको फाइंड करना है पीपीसी गिवन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन. ये जो आपके टेबल में पॉसिबिलिटीज दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना बेटा, पीपीसी फाइंड करना, पीपीसी का ग्राफ फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द एमओसी, उसी टेबल में आपको एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फाइंड करना है और एक डायग्राम प्लॉट करना है. और उस डायग्राम में आपको यह भी बताना है कि उस डायग्राम में जो पीपीसी बनेगा उसका शेप कैसा होगा. तो क्वेश्चन आपने समझ लिया बेटा. अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करते हैं कैसे करना है. तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन में देखिए हमने क्या लिखा, एमओसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ये एमओसी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ आउटपुट एंड डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है गेन ऑफ आउटपुट, यानी लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई गेन ऑफ आउटपुट, इनके रेशियो को हम एमओसी कहते हैं. ओके बेटा, तो ये टेबल आपके सामने बना हुआ है. फर्स्ट टेबल वीट का है, सेकेंड टेबल क्लॉथ का है. वीट के टेबल में 100, 90, 70, 40, 10, 0 ये टेबल ये शो करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज होने का मतलब ये टेबल सेक्रीफाइस कर रहा है. जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हम डिनोट करते हैं बेटा वाई से, किससे, वाई से. और क्लॉथ में देखिए 0, 25, 50, 75, 85, 87 ये क्लॉथ वाला जो टेबल है बेटा कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस गेन हो रहा है. तो जो पोर्शन गेन होगा उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके बेटा, अब हम अगला कॉलम फाइंड करेंगे एमओसी टेबल का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ये फॉर्मूला हो गया बेटा. अब हमको सबसे पहले डेल्टा वाई, वाई का कॉलम वीट का है, 100 से पहले क्या था नहीं पता, 0 से पहले क्या था नहीं पता, तो इसलिए डेल्टा वाई भी नहीं फाइंड होगा और डेल्टा एक्स भी नहीं फाइंड होगा. तो एमओसी का पहला कॉलम डॉट कर देंगे. ओके बेटा, नेक्स्ट पे जब आएंगे तो 90 और 100 का डिफरेंस कितना आया बेटा, देखिए यहां पर 10 लिखा हुआ है और 0 और 25 का डिफरेंस 25 आया, यानी 10 अपॉन 25 कितना आ जाएगा बेटा 0.4. देन 70 और 90 का डिफरेंस 20 एंड 50 एंड 25 का डिफरेंस 25. 20 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.8. ओके बेटा, थर्ड वाले पे देखिए 40 और 70 का डिफरेंस 30, 75 और 50 का डिफरेंस 25. 30 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1.2.
फिर उसके बाद देखिए बेटा 10 और 40 का डिफरेंस कितना आया 30, एंड 85 और 75 का डिफरेंस 10, 30 बाय 10 मींस 3, 30 बाय 10 कितना आएगा डिवाइड करने पर 3। इसके बाद देखिए बेटा 0 और 10 डिफरेंस कितना आया 10, 87 और 85 का डिफरेंस 2, 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से एमओसी आपको फाइंड हो गया 0.4, 0.8, 1.2, 3 एंड 5। तो एमओसी का ट्रेंड्स इंक्रीजिंग ट्रेंड्स है। कैसा ट्रेंड्स है? इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। अब हम इसके व्याप पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में देखिए बेटा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्लॉथ एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वीट। क्लॉथ एक्स पे क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? क्योंकि एक्स पे वो आइटम रिप्रेजेंट करते हैं जो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में होता है। तो हमारा क्लॉथ का आइटम इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में है, इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे क्लॉथ को रिप्रेजेंट किया। ओके, वाई एक्सिस पर हमने वीट को रिप्रेजेंट किया। क्यों किया? क्योंकि वाई पर वही चीज रिप्रेजेंट होती है जो लॉस में होता है, जो सेक्रीफाइस करता है। तो टेबल के अकॉर्डिंग वीट हमारा देखिए बेटा कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है, इसलिए वाई एक्सिस पर वीट रिप्रेजेंट हो गया। ओके, अब इस पर हम एक डायग्राम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन 100, वीट 100 है, क्लॉथ 0 है, तो ये वीट 100 पॉइंट आपने लगा लिया, क्लॉथ का 0 कर लिया। ओके बेटा, देन इसके बाद देखिए फिर कितना है बेटा 90 और 25, क्लॉथ आपका 90 हो गया और सॉरी वीट आपका 90 हो गया और क्लॉथ आपका 25 हो गया। तो 90 और ये देखिए बेटा 20 और 30 के बीच में 25, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपका ये बी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इसके बाद बेटा अगला कॉम्बिनेशन आएगा 70 एंड 50 का। तो देखिए वीट में हमने 70 लिया और 50 क्लॉथ में लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन सी प्लॉट हो गया। इसके बाद बेटा फिर आएगा कौन सा कॉम्बिनेशन, 40 एंड 75, वीट 40 और उसके बाद क्लॉथ 75, 80 और 70 और 80 के बीच में आपका 75 कहां पर आएगा बेटा, 75 70 और 80 के बीच में आएगा, तो हमारा कॉम्बिनेशन डी प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद बेटा 10 पर 85, ये 10 आपका वीट है और 85 आपका 90 और 80 और 90 के बीच में आएगा, ई पॉइंट आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट में 0, 0 आपका क्या है वीट और क्लॉथ 87, ये आपका 87 एफ पॉइंट पर है। तो इस तरह से ए बी सी डी ई एफ आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको मिल गई। इन कॉम्बिनेशन को आप क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। फ्री हैंड से मिलाने के बाद जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसा होगा बेटा, वो पीपीसी होगा। अब पीपीसी कर्व तो आपने प्लॉट कर लिया, लास्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, इस शेप का कैसा कर्व होगा। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन आपने फ्री हैंड से ड्रॉ किया है, ये पीपीसी कर्व है और पीपीसी कर्व कैसा होगा बेटा, कॉनकेव होगा। तो आपका पहला न्यूमेरिकल बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पर, गिविंग रीजन, यानी आपको रीजन भी देना है, कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी। जो आप टेबल प्लॉट करेंगे पीपीसी, उस पर कमेंट बताएंगे और जो डेटा दिया पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उससे एक डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या दी गई बेटा, गुड एक्स एंड गुड्स वाई, गुड्स एक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड गुड्स वाई 8, 6, 4, 2, 0। ओके बेटा, क्वेश्चन आप समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, एमओसी निकालेंगे। एमओसी का फार्मूला अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या आएगा बेटा एमओसी का फार्मूला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहां भी लिख लीजिए टेबल के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो गुड एक्स का कॉम्बिनेशन 0, 1, 2, 3, 4, गुड्स वाई का कॉम्बिनेशन 8, 6, 4, 2, 0। अब इसके भी आप पर एमओसी फाइंड करेंगे। तो गुड्स एक्स में ये देखिए बेटा 0, 1, 2, 3, 4 ये इंक्रीजिंग है, इसलिए ये एक्स माना जाएगा, 8, 6, 4, 2, 0 ये डिक्रीजिंग है, इसलिए ये वाई माना जाएगा। अब एमओसी में पहले 8 से पहले क्या था वाई में, नहीं पता। गुड एक्स में 0 से पहले क्या था, नहीं पता, इसलिए एमओसी पहला वाला आपका बेटा डॉट होगा। देन उसके बाद 6 पर 6 और 8 का डिफरेंस बेटा कितना आया, 6 और 8 का डिफरेंस आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 और 0 का डिफरेंस 1, तो आपका बेटा ये आ जाएगा 2। देन 4 और 6 का डिफरेंस 2 और 2 और 1 का डिफरेंस 1, ये भी डिवाइड करेंगे बेटा ये 2 आएगा। फिर 2 और 4 का डिफरेंस 2 अपॉन 3 और 2 का डिफरेंस 1, डिवाइड करेंगे बेटा ये भी 2 आएगा। एंड लास्ट में 0 और 2 का डिफरेंस 2 और 4 और 3 का डिफरेंस 1, 2 बाई 1, 2।
इस तरह से आपने एमओसी फाइंड कर लिया 2222। ये एमओसी का ट्रेंड्स कांस्टेंट है, यहां पर एमओसी का ट्रेंड्स कैसा था, इंक्रीजिंग था, और इसमें एमओसी का ट्रेंड्स कांस्टेंट है। अब हम डायग्राम को प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट गुड्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट गुड वाई। अब सबसे पहले देखिए गुड एक्स जीरो है और वाई पर एट है, तो आपका जो पॉइंट सबसे पहला आएगा ये वाई पर एट हो गया, एक्स पर जीरो, उसके बाद वाई का सिक्स और गुड्स एक्स का वन, ये आपका सिक्स हो गया बेटा और ये आपका वन हो गया, एक पॉइंट यहां आपका प्लॉट हो गया। फिर फोर पर टू, ये बेटा आपका फोर हो गया, ये आपका टू हो गया, दूसरा पॉइंट यहां प्लॉट हो गया। टू पर थ्री, ये बेटा टू हो गया और थ्री आपका ये हो गया। देन लास्ट में फोर पर जीरो, तो गुड्स एक्स का फोर हो जाएगा और वाई का जीरो यहां पर आ जाएगा। इस तरह से आप सारे पॉइंट को फ्री हैंड से मिलाएंगे बेटा, तो कॉम्बिनेशन आपका आ गया ए बी सी डी एंड ई। और ये जो पीपीसी कर्व बना, ये भी पीपीसी कर्व है, ये पीपीसी कर्व जो बना वो कैसा बना कमेंट में आपको लिखना है, ये पीपीसी है और कमेंट में आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन। लास्ट में आपसे पूछा है कमेंट करिए, तो पीपीसी शेप स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके। एंड लास्ट पोर्शन, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है पीपीसी का। पीपीसी के थ्री ट्रेंड्स होते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स, डिक्रीजिंग ट्रेंड्स एंड कांस्टेंट ट्रेंड्स, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अगर पीपीसी आईसी मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स, अगर पीपीसी का ट्रेंड्स इंक्रीजिंग होगा तो पीपीसी का शेप कैसा होगा बेटा, कॉनकेव। देखिए बेटा यहां पर ये वाले में ट्रेंड्स कैसा था, इंक्रीजिंग 0.4, 0.8, 1.2, 3, 5, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड था, तो डायग्राम जो आपका बना था पीपीसी का वो कैसा था, कॉनकेव। तो यहां पर आपको समरी के रूप में याद करना है कि अगर पीपीसी का ट्रेंड्स इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स होगा, तो डायग्राम कैसा होगा, कॉनकेव। ये मैंने डायग्राम देखिए प्लॉट किया, ये शेप कॉनकेव का माना जाएगा। और अगर पीपीसी डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में आता है, डिक्रीजिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, अगर ऐसा ट्रेंड्स आता है तो पीपीसी कॉन्वेक्स होगा, कैसा होगा, कॉन्वेक्स। और डायग्राम में कॉन्वेक्स ऐसे होता है, ये डायग्राम बना हुआ है। और लास्ट में है कि अगर पीपीसी कॉन्स्टेंट आता है, इस न्यूमेरिकल में देखिए समय 2222 आया कॉन्स्टेंट, तो अगर पीपीसी कॉन्स्टेंट ट्रेंड्स में होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन का डायग्राम देखिए ऐसे बनाया गया है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर टू मैंने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया, इसको नोट करेंगे। थैंक यू।